हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं जो कि शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंतर्गत होने जा रही है। पोस्ट है स्टाफ नर्स, क्लर्क, कुक एंड अदर्स, जिनके लिए 183 वैकेंसीज निकली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 183 वैकेंसियों पर भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती के लिए मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एजुकेशन में 10वीं या 12वीं या ITI या डिग्री होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इन पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ी, सैलरी पैकेज, और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, ये आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती एनेक्सर ए पोस्ट के लिए शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंतर्गत होने जा रही है और इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो 22/6/2020 से 15/7/2020 तक। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज रखी गई है 18 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पर कैटेगरी वाइज रखी गई है जो कि इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल मैक्सिमम एज रखी गई है और जो कैंडिडेट पहले से गवर्नमेंट सर्विस या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है उन कैंडिडेट के लिए 40 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट के लिए 42 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। SC ST कैंडिडेट के लिए 43 साल मैक्सिमम एज रखी गई है और EX सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 48 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.skims.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कितनी एप्लीकेशन फ़ी जमा करानी होगी। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ₹500 एप्लीकेशन फ़ी के रूप में जमा कराने होंगे जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा जमा किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका सिलेक्शन यहाँ पर ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा होने जा रहा है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है और आपको यहाँ पर किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर न्यूट्रिशन एजुकेशनिस्ट पोस्ट के लिए MSc फूड या न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है और इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है 35,900 से 1,13,500 पर मंथ। जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है और साथ ही साथ टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट होना ज़रूरी है और इसी के साथ 6 महीने का आपका सर्टिफिकेट कंप्यूटर में होना ज़रूरी है और इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है 25,500 से 81,100 पर मंथ। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ग्रेड 4th के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट पर 10वीं प्लस ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है 19,900 से 63,200 पर मंथ। लिफ्ट मैकेनिक के लिए यहाँ पर मैट्रिक्स और ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10वीं प्लस ITI पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी मिलने वाली है 25,500 से 81,100 पर मंथ। दोस्तों, इसी प्रकार आप यहाँ से पोस्ट वाइज एजुकेशन और सैलरी के बारे में कंप्लीट डिटेल आसानी से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर सैलरी के और एजुकेशन के बारे में पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करा रखी है। दोस्तों, यहाँ से आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक ओपन करके इस भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो
तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं।